किसी ने वृद्धाश्रम जाकर दीन दुखियों की सेवा की, किसी ने देव दर्शन कर शुभता मांगी, तो किसी ने बाबा महाकाल के दरबार में शीश झुकाया। उज्जैन के प्रमुख मंदिर, घाट और वृद्धाश्रमों में यही दृश्य नजर आया। शहर में श्रद्धालुओं ने नए वर्ष के शुभारंभ पर धर्म लाभ लिया। इस शहर को धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, जहां पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न शहर और राज्यों से भक्त यहां पर पहुंचते हैं और बाबा महाकाल, माँ हरिसिद्धि, रामघाट पर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं और परिवार में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। नववर्ष पर भी उज्जैन में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं जो मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ ही वृद्धाश्रम पहुंचकर दीन दुखियों की सेवा भी कर रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज किस प्रकार से दीन दुखियों को नए वर्ष में भोजन कराया गया और किस प्रकार से आप लोग यह कब से जो है करते चले आ रहे हैं? मैं करीब 15 साल से यहाँ सेवा कर रहा हूँ और ये प्रेरणा मुझे मेरे माता पिता से मिली है और आगे भी यही करता रहूँगा और मैं लोगों से चाहूँगा कि वो भी ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ना कि नए वर्ष मनाने में शराब और इनमें पैसा बर्बाद करें। किस प्रकार से आप इसकी जो है तैयारी करते हैं और किस प्रकार से सभी लोग परिवार के लोग सहयोग करते हैं और क्या रहता है? मेरा पूरा परिवार एक साथ इस चीज़ में सहयोग करता है, पूरा सेठी परिवार। अच्छा, कितने सालों से आप इस प्रकार से जो है सेवाधाम आश्रम दीन दुखियों के बीच पहुंचते हैं और यह सेवा करते चले आ रहे हैं? करीब 15 साल से। अच्छा, सतत चल रही है सेवा। अच्छा, आपके परिवार वालों ने मना नहीं करा किस प्रकार से जो है आज सेवा? बोलो बेटा, ऐसी सेवा करते रहो। ये तो चलिए आप इस प्रकार से वो करते हैं, अगर राजनीतिक क्षेत्र में आपको मौका मिला और राजनीति में जाने की हुई तो क्या राजनीति में आप इस प्रकार सेवा करेंगे, लोगों की मदद करेंगे? करता रहूंगा ऐसी ही सेवा। अच्छा। लोग मुझे याद करेंगे, बोले वाकई अपन ने कोई नेता चुना। शहर को लेकर उस वार्ड को लेकर किस प्रकार से क्या रखते हैं, किस प्रकार से क्या सोचते हैं रखते हैं आप करने के लिए? पूरे वार्ड को व्यवस्थित बनाना बिल्कुल और हर प्रकार की इनको सेवाएं देना, किसी प्रकार की कैसी भी सेवा हो मैं हमेशा तत्पर रहूंगा इसके लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।